गुड बाय गुड बाय। ओ शिट, फोन हुआ नहीं हुआ, लाइक लिटरली फोन में कुछ नहीं आ रहा। All right, family, welcome back to another horror video. Like literally, आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट आ रही थी horror video, horror video, horror video. तो लो भाई horror video. Like भाई मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को डर लगता है भाई, बहुत डर लगता है horror video करने से. But आप लोगों ने बोला कि horror video चाहिए चाहिए चाहिए, तो क्या कर सकते हैं भाई, ले आए एक और horror video. और literally हमारे channel पे हो रही है, तो it's gonna be one of the most interesting videos. Like सबसे पहले मैं ritual कर लेता हूँ scary challenges करने से पहले, क्या होना चाहिए horror challenges का. वो है कैंडल को लाइट अप करना. लाइक सीरियसली दिस केयर्स मी अप. वी आर गोना डू द 3 AM चैलेंजेस दैट आर नॉट मेंट टू बी डन. लाइक सीरियसली ऐसे ऐसे चैलेंजेस हम करने वाले हैं आज, जो लाइक लिटरली आप लोग कभी ट्राई मत करना. भाई मेरे को डर लगता है, वो अलग बात है, मेरे कैमरामैन को मेरे से ज़्यादा डर लगता है लाइक लिटरली. बट आप लोगों ने बोला तो करना तो पड़ेगा, तो इसी बात पे 1.5 लाख लाइक्स चाहिए मेरे को भाई. लाइक कर देना वीडियो भाई. लाइक 3 AM चैलेंजेस में सबसे पहला चैलेंज हम करने वाले हैं घोस्ट पेपर चैलेंज. लाइक लिटरली हम एक भूत को बुलाने वाले हैं डोर के थ्रू. लाइक 3 बजते ही हमें क्या करना है, एक रिचुअल पढ़ना है. इसके जो स्पिरिट होते हैं उसको बुलाने का रिचुअल पढ़ना है हमें. और लाइक वो इतना स्केरी है, मतलब बोलते ही मेरे को ऐसे ना वाइब्रेशन आ रहे हैं अंदर बॉडी में. उसके बाद हम एक क्वेश्चन लिखेंगे डोर के थ्रू, उस पेज को हम मतलब नीचे डाल देंगे. और उसके बाद हम 3 बार गेट पे नॉक करेंगे. और उसके बाद वो रिचुअल पढ़ने के बाद हम उसको वहीं छोड़ देंगे. अगर पेपर स्लाइड होकर डोर के उस पार चला गया और उस पर मेरा आंसर लिख के वापसी आ गया, तो वी हैव कॉल्ड द स्पिरिट. लाइक समन कर दिया है हमने घोस्ट को. बट अगर ऐसा नहीं होता तो मतलब हम फेल हो गए, घोस्ट नहीं आया. तो आई होप, लिटरली पहली बार मैं ऐसा होप कर रहा हूँ कि मैं फेल हो जाऊँ, क्योंकि भाई लिटरली अगर भूत आ गया ना, आई डोंट नो ये चैनल कौन संभालने वाला है आने वाले टाइम में. क्योंकि मैं तो जाऊंगा, मेरे साथ मेरा कैमरामैन जरूर ऊपर जाएगा. और आई डोंट नो ये वीडियो आएगी आगे नहीं, बट आई लिटरली होप कि यहाँ सब कुछ ना हो. बट मैंने मतलब बहुत वीडियोस देखे जिसमें ऐसा हुआ है, लिटरली उनको आंसर्स मिले हैं. तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं अपना क्वेश्चन. और क्वेश्चन हम ये पूछने वाले हैं कि क्या दिव्यांश को कभी गर्लफ्रेंड मिलेगी या नहीं मिलेगी. आई होप वो बोलते हैं कि हाँ मिलेगी, तो ये खुशी की बात होगी. और गम इस बात को होगा कि भूत आ गया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फैमिली. ऑलराइट फैमिली, तो मैंने इस पे रिचुअल लिख दिया है. और रिचुअल है स्पिरिट ऑफ द डोर, वी वेलकम यू, मेक योरसेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू. लाइक मतलब आप इसको एक बार मतलब आंखें बंद करके जब रीड करोगे और इसको समझोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कितना स्केरी है. बट अब इसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन, और उसके बाद मैं 3 बार रिचुअल पढ़ूंगा और वहां पर रख दूंगा अपना पेपर. लेट्स डू दिस. ओके, तो मैंने क्वेश्चन अपना लिख दिया कि विल दिव्यांश एवर गेट अ गर्लफ्रेंड अगेन. आई होप इसका जवाब आ जाए यस. अगर नो आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और अगर जवाब भी आ गया तो भी बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि दिस इज लाइक लिटरली वेरी स्केरी है. थोड़ा मैंने इसको मजाक में टर्न आउट कर दिया, क्योंकि आई डोंट नो, कहते हैं ना सबसे ज़्यादा उसी ही फट रही होती है जो हंस रहा होता है. तो मैं वही हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा फट रही है इस पर. एंड टाइम आप देख सकते हो, 3:06 हो चुके हैं. 3:06 हो रहे हैं. एंड लेट्स डू दिस. स्पिरिट ऑफ द डोर, वी वेलकम यू, मेक योरसेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू. स्पिरिट ऑफ द डोर, वी वेलकम यू, मेक योरसेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू. Spirit of the door, we welcome you. Make yourself present and come through. अब मैं knock करने लगा हूँ. 3 बार मैंने knock कर दिया. I don't know. एक बार वहाँ पर zoom in करके देख लेते हैं क्या होता है क्या नहीं. This gate also looks really scary right now. Spirit of the door, we welcome you. Make yourself present and come through. Spirit of the door, we welcome you. Make yourself present and come through. I don't know, like मेरे को अभी लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा. और I really don't wanna fake it कि ऐसा कुछ हो रहा है, मुझे आवाज़ें आ रही हैं या कोई पेन होता है या कुछ ऐसा. मेरे को ऐसा कुछ नहीं हो रहा. But what I'm gonna do is I'm gonna read the Domino's Hill poem. और मैं एक बार दिव्यांश को अपने साथ बुलाता हूँ. मैं पेपर वहीं रख रहा हूँ और मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ दिव्यांश को अपने साथ, और मैं पढ़ने वाला हूँ डोमिनोज हेल पोएम. एंड लेट्स सी, वी आर गोना मेक इट मोर स्केरियर.
एंड दे से कि हमें दो रिचुअल्स कभी भी एक साथ नहीं करने चाहिए, बट आई एम गोना डू इट फॉर यू गाइस बिकॉज आई थिंक वी नीड टू फाइंड द घोस्ट, बट इट हैज़ अ रियली बैड वाइब, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत गलत वाइब आ रही है एंड दिस इज के, बट लेट्स डू इट। ऑल राइट फैमिली, तो पेपर अभी भी वहाँ पर है और दिव्यांश मेरे साथ आया है टोमिनो से हेल्प पोएम पढ़ने। चंदी ने बहुत डर लगता है मेरे को, हाथ जोड़ के माफ करते हैं, मेरे को मत बुलाया करें चीजों में, अकेले कर रही हूं। वेरी यूनिक, इट्स लाइक 3:23 राइट नाउ और अब हम पढ़ने वाले टोमिनो से हेल्प पोएम और इसकी स्टोरी इतनी बुरी है, इतनी बुरी है, लाइक लिटरली ये जापानी स्टोरी मैंने जस्ट अभी पढ़ी है। इसमें क्या था कि एक जापानीज बंदे ने इसको लिखा था और उसमें तो साफ लिखा था कि ये पोएम तुम अपने दिमाग से पढ़नी है, बोल के नहीं पढ़नी, अगर बोल के पढ़ोगे तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। और मैंने अभी देखा था किसी चैनल पे बंदों ने पोस्ट किया हुआ था अपनी स्टोरीज और जो उनके साथ हुआ था, उसके बाद वो बंदे उस चैनल को भी आए ही नहीं, उन्होंने लिटरली ये कहने का मतलब ये है, मतलब जो मैंने भी जो ये सुन रहा था, मैंने भी ये चीज़ सुनी है कि जो लोगों ने बोलने ये, मतलब ये पोएम पढ़ी अपने मुंह से उसके बाद, मतलब कुछ लोग तो वापसी आए नहीं पाए, वापसी नहीं आए, वो वापसी दिखे ही नहीं और कुछ लोगों ने अपने लाइव एक्सपीरियंसेस शेयर करे और वो लाइव एक्सपीरियंसेस इतने स्केरी है आप लोग, बट अभी हमारा घोस्ट पेपर चैलेंज भी चल रहा है और हमें दूसरी गलती करने जा रहे हैं एंड आई होप सो, लाइक मतलब दो गलतियां हमें नहीं करनी चाहिए थी बट वी आर डूइंग इट फॉर यू गाइस, सो हिट द लाइक बटन एंड मैं ये पोएम पढ़ने वाला हूँ, तो दिव्यांश तूने आसपास देखते रहना कुछ होता तो नहीं और आप लोगों ने आंखें नहीं हटानी, देखते रहना कि हमारे आसपास क्या चल रहा है। तो लेट्स गो। द ओल्ड सिस्टर वॉमिट्स ब्लड, द यंगर सिस्टर स्पिट्स फायर। क्यूट टोमिनो स्पिट्स ट्रेजर्ड ज्वेल्स, टोमिनो डाइड अलोन एंड फेल इनटू हेल। Hell darkness with no flowers. Is it Tomino's old sisters that whips? The number of red welts in worrisome. Whipping and beating and pounding. Super bro. इसके वर्ड्स भी भाई क्या वैली भाई, मेरे दिमाग में लिटरली जो चल रहा है इस वक्त मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, वैसे मैं बहुत बड़ा ओवरथिंकर हूँ और मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जब मैं सोने जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होने वाला है और लिटरली यहाँ लाइट फ्लिकर कर दिया ब्रो, तेरे साथ सुनो भाई मेरे को नहीं पता, मैं घर नहीं जा रहा, रात के दिन में मेरे बस की नहीं है भाई, मैं नहीं घटा सकता अकेले। इन द आईज ऑफ क्यूट टोमिनो आर टीयर्स, टोमिनो आर टीयर्स, क्राई नाइट एंगल फॉर द वुड्स एंड रेन, वॉइसिंग योर लव। भाई ओ भाई आवाज आई ना भाई, through the seven mountains and valley of hell, cute Tomino travels alone to welcome you to hell, to welcome you to hell. Bye. The glimmering spikes of needled mountains. पहले ये challenge, उसके बाद ही poem. भाई क्या चाहते हो? I'll be very honest. अगर मैंने कोई गलती करी है तो माफ करना, मेरे को भगवान literally माफ करना. But this cute Tomino, ले ये जो Tomino की poem है, hell's area है. आप लोग अगर इसके एक एक वर्ड मीनिंग में जाओगे तो इट्स लाइक वो आपको हेल में वेलकम कर रहा है, बट वो एक इनविटेशन थी और मैंने उसी का इनविटेशन दिया और मैंने डोर पे भी भूत बुलाया, मतलब इस वक्त हर जगह से हमने भूत बुला रखा है मेरे को लगता है, और ऊपर से पता नहीं क्यों आवाज़ हुई, या तो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है ऊपर, पर ऊपर तो सिर्फ भाई सो रहा होता है और कोई होता नहीं, बट आई थिंक लाइक लिटरली मैं अभी अपने सराउंडिंग में जो देख सकता हूँ मेरे को ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो आई होप सब कुछ ठीक रहा है मेरे को और रात को कुछ ना दिखे, क्योंकि इसके बाद लाइक सिर्फ एक चैलेंज हम और करने वाले हैं, वो पेपर मेरे हिसाब से वहाँ पर नहीं लिया, लेट्स गो एंड फाइंड दैट। ओके, तो आई गेस पेपर जहाँ था वहीं है और लिटरली कोई चेंजेस नहीं आए और स्पिरिट ऑफ द डोर वी वेलकम यू, मेक योर सेल्फ प्रेजेंट एंड कम थ्रू, विल दिव्यांश एवर हैव अ गर्लफ्रेंड, आई थिंक दिस इज अ फ्लॉप शो, यहाँ पर ऐसा कोई भूत नहीं आया, नो घोस्ट इन टोमिनो आई थिंक अभी तक नहीं है, बट दिस लास्ट चैलेंज जो हम करने वाले हैं वो और स्केरी है, हम करने वाले हैं उइजा बोर्ड चैलेंज, लाइक लिटरली हमने एक गेम डाउनलोड करी है फोन में जो भाई, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड वो नहीं बनेगी भाई तो डरा दी एकदम से डरा मत ब्रो। ओके, तो वो हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले फाइनली उइजा बोर्ड रिकॉर्ड एंड लेट्स गो फैमिली। All right family, तो we are gonna play this Ouija board, like ये बहुत scary है, इसने बोला कि हमें lights सारे dark करनी है, वो तो हमारी already dark थी और तीन candles हमने light up कर रखी है, तो let's get started, सबसे पहला question जो ये कहता है हमें इससे पूछना है, like इसने खुद बोला है कि spirit are you there, spirit are you there,
स्पिरिट आर यू देयर हेलो हाउ आर यू इसके बीच में भाई अपना मुंह हो रहा है हेलो इज एनीवन देयर ओके तो हम क्या कर रहे थे हम इसको बहुत टाइम से ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे ये हो नहीं रहा था लाइक लिटरली मैंने दो तीन रिटेक्स ले लिए थे क्योंकि ये हमें पता था कि ये होता है बट ये हो नहीं रहा था उसको कोई स्पिरिट कनेक्ट नहीं हो रही थी और एकदम से जैसे हमने बोला हाउ आर यू और वो शुरू हो गया तो हमने कनेक्ट उसके बाद करा और जैसे ही इसने अपनी वहां पर उंगली रखी और लिखा आया 3 2 1 और लाइक उल्टा काउंटडाउन हुआ और उल्टा काउंटडाउन वो कह रहा है से गुड बाय हमने गुड बाय बोला नहीं और उल्टा काउंटडाउन हुआ एंड लिटरली फोन बंद चलो फिर देखते हैं लेट्स ट्राई अगेन हाय Is anyone there? Is Nelias? Hi, is any? Oh, bhai. Oh, shit. इसके सेंटर में रखे से सेंटर में रखे। भाई अपना मतलब मैं ये देखो अपना मूवमेंट है। मेरे पास तो आज तो क्वेश्चन। No woman. अभी टाइम बोल अपने आप। You. Y O U भाई अपने आप मूव हो रहा है और जब तक फिंगर ना रखो तब तक हो रहा यू रियल रियली शुड यू रियली शुड उसके बाद अपने आप हट गया नो वुमेन और लिखा यू रियली शुड मैं आगे फिर से कर शुड टी आई एम टाइम फॉर भाई हार्ट बीट फास्ट हो रही है भाई फिंगर हमारी सिर्फ उसकी टच कर रही है बाकी वो अपने आप मूव हो रहा है यू रियली और जब मैं फिंगर बीच में रख रहा था वो अपने आप बंद हो रहा है टाइम फॉर सम और सम टाइम फॉर सम फन मैं रुक गया भाई वो वुमेन यू रियली शुड टाइम फॉर सम फन पता नहीं क्या क्या लिख रहा है भाई ये आर यू लुकिंग एट अस भाई ये क्या सीन है लिटरली आप लोग देख सकते हो पता नहीं आप ये देखो ये यहाँ पड़ा है और ये अपने आप मूव हो रही है फिंगर्स मतलब से आ रहा है इसी पे आर यू अफ्रेड शिट थोड़ा भाई अब वो हमसे पूछ रहा है आर यू अफ्रेड यस आई एम अफ्रेड इससे मैं वो क्वेश्चन पूछना चाहूंगा विल दिव्यांश हैव अ गर्लफ्रेंड भाई भाई अभी उठ जा भाई Goodbye. Oh shit. फोन हुआ नहीं हुआ लाइक लिटरली फोन में कुछ नहीं आ रहा आई डोंट नो क्या हो गया ब्रो दिस इज सीरियस भाई इसको खुल गई गेम खुल गई भाई गेम बंद कर अब छोड़ इसको डिलीट कर आई डोंट नो मैं हटा रहा हूँ इसको तो भाई I never knew कि ऐसा हो सकता है Like literally हम इतना try कर रहे थे चलने को और जैसे चला चल नहीं रहा भाई अभी भी बंद नहीं हो रहा गेम ये देख I don't know what this is I'm really sorry मैं मेरे को सही में नहीं लगा था ऐसा कुछ होने वाला है But I strictly recommend you guys not to play this game मतलब आप please ये गेम मत खेलो ये कुछ अलग ही था Close it bro भाई नहीं हो रहा वो Delete कर से अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप और ऐसी हॉरर वीडियो देखना चाहते हो तो 1.5 लाख लाइक जरूर करना और आई एम नॉट गोना प्ले दिस गेम डेफिनेटली वंस मोर मिलते अगली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग